हो या के आने वाले समय में क्या होगा, और इतना ही नहीं, जिस समय देश का बंटवारा हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं कि बात दाम से हमारे पास में है। पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, पूर्वांचल के बर्बादियों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की है। किसी के पास आंकड़ा है? किसी के पास आंकड़ा? यह सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को दे दिया, और वही भी ईसाई मिशनरियां आप कहेंगे पेट्रो डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर। मैं कह रहा हूं पेट्रो डॉलर के बल पर नहीं, विदेशी पैसों के बल पर नहीं, तुम्हारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर। कैसे? इसी समय आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, याद है, कि देश के संसाधनों पर, राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होता है, बोलो ना, अल्पसंख्यकों का होता है। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, ये तुम्हारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। बहुसंख्यक कौन है भैया, बोलो, बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है, लेकिन हिंदू इस देश में दो नंबर का नागरिक है। कितने? दो नंबर का। बोलिए मेरी बात गलत है? दो नंबर का नागरिक है। संविधान में बनाया गया है कौन? ए महाराज जी सुना है जरा ढंग से, धारा 30 जानते हैं क्या है? संविधान में आपके धारा 30 है, माताएं बहनें, धारा 30 क्या है? धारा 30 में पहला वाक्य लिखा है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति आईएएस की परीक्षा दे सकता है। तो क्या? कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति आईएएस की परीक्षा दे सकता है। लेकिन आप अपने विद्यालय में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, और सुने, संविधान में आपके लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। आप लोग दक्षिण भारत गए हैं, दक्षिण भारत के मठ मंदिर देखे होंगे, उत्तर भारत में ऐसे मंदिर नहीं है, विशेष बहुत कम ही है। आपके संविधान में लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, और वो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। आपके संविधान में लिखा है वो सरकारी कोष का पैसा जो आपके मठ मंदिरों से आया है 60% ईसाई मिश्रियों को दिया जाएगा। कितना? 60% ईसाई मिश्रियों को दिया जाएगा। शेष जो 40% पैसा बचेगा वो मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। ये आपके संविधान में लिखा हुआ है। आपके मठ कुछ प्रांतों ने अभी अभी, जैसे आपने सुना होगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया कि हम रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में नहीं देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा किया। हमारी बात हुई धामी जी से, हमने कहा धामी जी ये आपने किया है, लेकिन दूसरा आएगा तो हटा देगा, इसलिए इसके लिए क्या चाहिए? कानून चाहिए, कानून चाहिए। और वो कानून कब बनेगा? जब आप लोग चाहेंगे तब। और हमारे प्रधानमंत्री जी की केवल एक ही इच्छा है, प्रबल एक ही इच्छा है, राष्ट्र की रक्षा करना। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। हम बस काम करो, वो बढ़ते चले जाए। महाराज श्री राम, भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई, राम जी के आदर्श को जानते हो? भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा, विचार किया ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। जब तक जंगल राज नहीं समाप्त होगा तब तक राम राज्य कहां? राम राज्य सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही सुधार बने तो छोटी नीति। सब में आपस में प्रेम था भगवान श्री राम जी के राज्य में। तो कहां जाते हैं? जंगल जाते हैं, और जंगल जाकर के निषाद राज केवट, निषाद राज केवट को, और ये बनाया ही नहीं महाराज जी, जिसके लिए कहा कायर कपटी कुमति कुजाती लोक वेद बाहर सब भांति,
राम की है आपन जब ही पे भयो भुवन भूषण तब ही पे। भगवान ने अपनाया जिसे स्वीकार किया। जगत स्तुति का वाक्य है समान वृक्षम परिसते ईश्वर और जीव रूपी दो पक्षी सभी रूपी वृक्ष की डालियों पर घोसला बनाए बैठे। एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और एक दृष्टा है, दृष्टा होकर के सुखी है आनंदित है। ये वृक्ष का फल क्या है? मनुष्य का कर्म ही वृक्ष के फल के रूप में है। कर्म भी फल को खा रहा है, दुखी है, न जाने कितने दिनों से भटक रहा है। कर्म की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जब तक जीव संकल्प विकल्प के बंधन में बंधा हुआ है, जब तक जीव संकल्प विकल्प के बंधन में बंधा हुआ है, और आज जितना बड़ा संकल्प का संयोजन करने उतने बड़ा विद्वान माना जाता है। नहीं, संकल्प विकल्प नहीं। ये संकल्प विकल्प किसके लिए? प्रभु के लिए, भगवान के लिए। तो कर्म रूपी वृक्ष के फल को खाता हुआ जीव दुखी है और वह दृष्टा होकर के सब प्रकार से सुखी है। नित्य का सखा है, भटकते भटकते न जाने कितने दुख को भोगते भोगते जब वो भगवान की तरफ देखता है, चाक्षुष युक्त प्रभु की तरफ देखता है, हिरण्यगर्भ पुरुष की तरफ देखता है, धीरे धीरे नहीं, यदा पश्ये पश्यते रुक्मरणा कर्तारणि सम्पुरुषं ब्रह्म योनिं तदा विद्वान पुण्य पावे विधूय निरंजना परम उत्साह कहती। जैसे वो चाक्षुष युक्त प्रभु हिरण्यगर्भ प्रभु की तरफ देखता है, भगवान की तरफ देखता है, सनमुख होई जीव मुहि जब ही जन्म कोट यघनासि तब ही तुरंत ही तुरंत अपिचेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितः व्यवस्थितो हिंसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयो प्रतिजानीह नामे भक्ता प्रणश्यति। अपिचेत सुदुराचारो बहुत बड़ा दुराचारी पापाचारी क्यों न हो, वो भी अनन्य हो करके, लेकिन याद रखो अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। लेकिन हमारे अंदर अनन्यता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अनन्यता बिल्कुल नहीं। कह किसी ने कहा वहां गुरु देवता प्रकट हो गए, चल पड़ी भीड़, दौड़ पड़ी, दौड़े चले जा रहे हैं, मनोवे मांगे मान रहे हैं, सब क्या क्या कर रहे हैं, जय श्रिया। ये अनन्यता नहीं। बने सो रघुवर सो बने, बिगड़े सो भरपूर, तुलसी रघुवर के बिना वाह बनवे भेदू। अनन्न होकर के जैसे वो भगवान कहते हैं मेरा बनता है, मेरा भजन करता है। अपिचेत सुदुराचारो, सुदुराचारो बहुत बड़ा दुराचारी पापी पापाचारी जो न हो, वो भी मेरे तरफ देखता है, मेरा भजन करता है, तो साधु रेव समन्तव्या, साधु के समान हो जाता है। तो और क्या होता है महाराज? क्षिप्रम भवति, तुरंत ही वो धर्मात्मा, धीरे धीरे नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन ते प्रतिजानी है नामे भक्ता प्रणश्यति। याद रखो संसार का तो नाश होता है, संसारी का तो नाश होता है, लेकिन भगवान के जो जन है वो क्या सानित्य है? शास्त्र जीव नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साधु सुखराशि। यह मरण धर्मा नहीं है, ये नित्य है, शाश्वत है। सर्वथा जन्म मरण से रहित है, लेकिन भटक रहा है, ना जाने के कतम मरत पियासा, ना जाने कतम मरत पियासा, ये स्थिति है। लेकिन जैसे वो हो सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मीतयातते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददापि तद्व्रतं मम सकलदेव। एक बार ही जिसने कह दिया मैं आपका हूं, भले आदमी कहना क्या है, कहना है कहना नहीं, अरे ये जीव नित्य का भगवान का है। अरे इतना कृपालु दयालु वो तुम्हारा प्रभु है, वो भगवान इतना कृपालु दयालु है। यह जीव कहीं भी गया, लेकिन श्री हरि संगत जो नहीं तेरो
श्री हरि संगत जो नहीं देर। भगवान ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा पाँव फैलाए खड़े हैं। जो तू आवे एक पग मैं आऊं, पग साठ जो तू होवे काठ सो तो मैं लोहे की लाज। सत्यदेव प्रपन्नाय तवास्मिति जयाजते। अरे तुम्हारा खाना पीना सोना बैठना सब कुछ भजन है, सब कुछ भक्ति है, भगवान की भक्ति है। बड़ी सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। सब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने है। तुम्हारा खाना पीना सोना सब कुछ भजन है, सब कुछ भगवान की भक्ति। भक्त जो भोजन करता है, भोजन करना भी भजन होता है। कैसे? किसी ने कहा खाते क्यों हो? कहा खाएंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे? बोलो, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहा काम क्यों करते हो? कहा काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बस इतना गोरख धंधा तुम्हारा है। खाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, खाते हैं काम करने के लिए। फिर भक्त जो भोजन करता है क्यों भोजन करता है? ये शरीर साधन है। ये शरीर काहे के लिए मिला? नीचे द्विवेदी सत्यमस्ती नचे धावे महती गृहस्ती भूतेश भूतेश विचिंत धीरा प्रत्याश लोकादमृता होती। शरीर को पा करके लक्ष्य को जाना यही सत्य है, सत्य है नहीं तो महती विनष्टि। भोजन क्यों करता है? शरीर साधन है, साधन स्वस्थ रहेगा तो भजन बनेगा, भक्ति बनेगी, सेवा बनेगा। और साधन स्वस्थ नहीं रहेगा तो भजन होगा, भक्ति होगी, सेवा होगा? नहीं नहीं, साधन के लिए, साधन को स्वस्थ रखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए भक्त भोजन करता है। तो भोजन करना भी तुम्हारा क्या है? भजन है, भक्ति है। ए भक्त का सोना भी भजन ही होता है, सोना भी भजन होता है। कैसे? रात में जब सोते हैं, जो चिंतन करते हुए प्रातः काल उठ करके आप ठाकुर जी की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक सेवा करनी है, महाराज जी सोना भी उसका भजन ही होता है। सारा कार्य जेती तनु तेती पर दिखिना जेती गणों से पूजा ग्रह उद्यान एक सब जानो भाव मिटायो दूजा। तुम्हारा सारा कार्य भक्ति है। एक कथा याद आ गई, सुना दे। लक्ष्य तो हमारा अलग ही है। एक महात्मा जी गांव में गए, देखा एक व्यक्ति बादाम घोट करके खूब पी रहा है, रबड़ी मलाई खा रहा है। महात्मा जी ने कहा है क्यों बादाम घोट करके पी रहे हो, रबड़ी मलाई खा रहे हो? कहा महाराज जी बादाम घोट करके इसलिए खा रहे हैं, रबड़ी मलाई इसलिए पी रहे हैं, बलवान हो जाएं, हमारे गांव में कोई दीन दुखियों को सता ना सके, हमारे गांव में कोई बहु बेटियों की इज्जत न लूट सके। महात्मा जी ने कहा शाबाश, तुम्हारा बादाम पीना सार्थक है, तुम्हारा ही रबड़ी मलाई खाना सार्थक है। दूसरा और व्यक्ति बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने कहा तुम क्यों बादाम घोट कर पीते हो, रबड़ी मलाई खा? महाराज इसलिए बादाम घोट करके पी रहे, रबड़ी मलाई खा रहे हैं, बलवान हो जाए। कहा क्यों? अरे कहा अड़ोसियों पड़ोसियों को दंड दे सकूं, अड़ोसियों पड़ोसियों का सिर तोड़ सकूं। महात्मा जी ने कहा धिक्कार है तुम्हारा बादाम पीना, धिक्कार है तुम्हारा रबड़ी मलाई खाना। विचार करो, दोनों का एक ही कार्य है ना? लक्ष्य भी दोनों का है बलवान बनना, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। एक का भाव है दूसरों को सुख देने का, एक का भाव है दूसरों को दुख देने का। भक्त और अभक्त में मात्र इतना ही अंतर होता है। तुम अपने भाव को बदल दो। भगवान का विरध है, भगवान की प्रतिज्ञा है, शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मिति जयाजते अभयम सर्वभूते भ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूं, इतने दयालु कृपालु। इतना ही नहीं, कहा सर्वभूते भ्यो अभयम ददा, त्रिलोकी के सब, एक दो नहीं, त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए मैं अभय दे देता हूं, अभय दे देता हूं।
तुम ऐसे प्रभु ऐसे भगवान श्री राम जी के संतान हो, श्री राम जी के भक्त हो, और इतना बड़ा डर? नहीं नहीं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, पांच प्यारों को बच्चे जिंदे दीवार में चुन लिए गए, और जब आवाज लगाई तमाम इकट्ठे थे, आज हमें बलिदान चाहिए, बलिदान चाहिए, पांच आए, पांच को लेकर के खालसा पंथ की स्थापना की और कहा एक सिपाही हमारा एक दो से लड़ेगा, दस बीस से लड़ेगा, नहीं, सवा लाख पर एक लड़ाऊ, सवा लाख पर एक सिपाही हमारा लड़ेगा, चिड़ियों गो पर मैं बाज उड़ाऊ, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। ऐसे के संतान तुम हो, ऐसे के तुम शिष्य हो, ऐसे के तुम भक्त हो। याद रखो हमारा पुनीत कर्तव्य होता है, इस समय माँ भारती के आंखों में आंसू है, इस आंसू को हम पोछेंगे, हम माँ भारती के आंसू को नहीं रहने देंगे, हम माँ भारती की अखंडता की रक्षा करेंगे, ये हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम जी का वाक्य है, जननी जन्मभूमिशा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। भूल गए हम इतने बड़े कृतज्ञ हैं? कृतज्ञता की कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ना, कितने बड़े कृतज्ञ हैं? भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी को, भूल गए महाराणा प्रताप को, देश के लिए घास की रोटियां खाई, अकबर से लड़ता रहा, जब शहर करो धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम सबको, धिक्कार है, शर्मानी चाहिए, घास की रोटियां खाई, कितनी यातना सही, जिंदे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चुन रहे, आज वो अकबर तुम्हारा पूर्वज है, आज तुम्हारे बच्चे मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो खड़े होकर कह दीजिए आप गलत कह रहे हैं, ये बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, महाराज जी बच्चे जब रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हर क्लास में गीत रामायण का कोई ना कोई अंश होता था पढ़ाया जाता था। आपके पूर्वजों ने हल्दी घाटी पढ़ा, महारानी और महाराणा प्रताप पढ़ा, रणवीर चौधरी महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा, शिवाजी को पढ़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी देश का मानव संसाधन मंत्री किसी समय हुआ अर्जुन सिंह, नाम सुना है? अर्जुन सिंह ने कहा ये सब कौन है? आतंकवादी हैं। ये सब कौन है? सरदार भगत सिंह आतंकवादी हो गए, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी हो गए, ये सब हमारे महापुरुष आतंकवादी हुए, सब हटा। मैं गलत कह रहा हूं तो खड़े होकर कह दीजिए कि गलत आप कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आज आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आपके पूर्वज कौन हो गए? अकबर हो गए, जहांगीर हो गया, बाबर हो गया। आज मुगलों का इतिहास तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज तुम्हारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे, नाम सुना मदर टेरेसा का? इन बदमाशों ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ मदर टेरेसा को विभूषित किया है। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ गलत बात है? सबसे ज्यादा अगर किसी ने ईसाई बनाया है, इस देश में, तो किसने बनाया है? मदर टेरेसा ने। कभी अखबारों में निकला था कि विदेशी लोग भारतीय बच्चों को गोद ले रहे हैं, हाय हाय भारतीय बच्चों को गोद ले रहे हैं, भारतीय बच्चों को गोद नहीं ले रहे थे, हमारे निरीहों को, निरीह असहायों को, बच्चों को विदेशों में बेचा जा रहा था, उनको ईसाई बनाया जा रहा था, ये स्थिति थी। और आज आपने उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया, आज भी आपके बच्चे वही गलत इतिहास पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। सब भूल गए तुम्हारे महापुरुष, आप लोगों ने हमारे पूर्वज पढ़ा होगा महाराज जी, पढ़ाया गया? सब खत्म कर दिया गया, ये सब वापस कब तक आएगा? जब तुम्हारा इतिहास ही खत्म हो गया तो तुम बचे? तुम्हारा कुछ बचेगा? तुम्हारा राष्ट्र बचेगा? समय रहते चीन संभल गया। चीन में कहीं कहीं आवाज उठाई इन लोगों ने, संभल गया। बच्चे बनाने वाली फैक्ट्री उसने बंद कर दी,
कहाँ कहाँ ले जा करके भेजा उन लोगों को, फिर लौट करके नहीं आ सकते, अखंड हो गया, रूस नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और आज यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध जानते हो क्या, ये ईसाइयत और इस्लामियत का युद्ध, ईसाइयत और इस्लामियत का युद्ध है। क्या चाहते हो आप, राष्ट्र चाहिए कि नहीं, क्या करोगे राम जन्मभूमि बना करके? अगर यही स्थिति रही, यही विचारधारा तुम लोगों की रही, यही सोचते रहे हो, यही विचार रहा, तो क्या राम जन्मभूमि आपकी सुरक्षित रह पाएगी? कितने दिन सुरक्षित रहेगी? आज आपके मतपूर्ण दिनों का पैसा ईसाइयों से आज भी दिया जा रहा है, संविधान में लिखा हुआ। ये स्थिति परिस्थिति समय आ गया है। महाराज जी, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा तो जीवन गया सब कुछ, मेरा त्याग तपस्या ध्यान धारण ध्यान धारणा समाधि जो कुछ भी है वो राष्ट्र है, राष्ट्र के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्थान भी मेरा महाराज जी जानते हैं, राष्ट्र को ही समर्पित है, राष्ट्र के लिए ही सब कुछ है, राष्ट्र के ही कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। याद रखो, भगवान श्री राम जी ने हमारे सबको अपनाया है, माता सबरी को जो गति दी वो गति किसी को नहीं दी। बोलो गलत कह रहा हूं? कहीं कहीं, लेकिन कहीं भी आप ग्रंथ में कोई बता देंगे शंभुवध की कथा कहीं भी नहीं, कुछ धर्मियों ने बदमाशों ने भगवान श्री राम जी के आदर्श में शंभुवध की कथा जोड़ी है? नहीं, भगवान श्री राम जी का आदर्श ऐसा नहीं था। वीर अधर्म खग आम इस भोगी गति पाई जे जात योगी, योगियों को भी जो गति नहीं मिली वो होगी। वीरराज जताई गीता के समान गति थी भगवान श्री राम जी ने, सबके ऊपर कृपा की। आज राष्ट्र के लिए भगवान श्री राम जी का आदर्श ही हमारे लिए पाथे है, राष्ट्र की रक्षा करने में सब प्रकार से समर्थ हो सकता है। हम भगवान श्री राम जी के बने। और सुनो, ए थोड़ा विचार करो, भेदभाव को भी भूल जाओ, भेदभाव को भी, जो लोग तुम्हारे अंदर भेद नीति डालते हैं। आज हम पूरे देश में इतने व्यास तैयार कर रहे हैं, इतने व्यास तैयार, महाराज जी इतने व्यास तैयार कर रहे हैं, आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से भी तमाम भाई बहन हम लोगों के पास में हैं। एक बहन वहाँ यशोदा आई थी महाराज जी के कार्यक्रम में, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर जहाँ ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं, उस क्षेत्र में 50 मिली बच्चों को पाल रही है। और इतना ही नहीं, ये बराबर घर वापसी के कार्य में लगी रहती है, ईसाई मिशनरियों के विरोध में घर वापसी के कार्य में लगी रहती है। ये भाई तुमसे अगर बिछड़ते हुए दूर चले गए तो क्या होगा, क्या होगा, तुम्हारी क्या दशा होगी? इसलिए हम अपने भाइयों को दूर नहीं जाने देंगे, भगवान श्री राम जी का आदर्श। तो उपेक्षित क्षेत्रों से जंगली क्षेत्रों में महाराज जी जानते हैं, तमाम भाई बहन को हम लाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको व्यास बनाते हैं, और व्यास बना करके ये हमारा प्रशिक्षण अयोध्या में चल रहा है, मथुरा में चल रहा है, वृंदावन में कई केंद्र चल रहा है, नासी में चल रहा है, गुजरात में कई केंद्र चल रहे हैं, स्थान अमरकंटक में भी, अमरकंटक में भी बाबा जी ने प्रयास करके खोल दिया है। अभी चित्रकूट की तैयारी में हम लगे हुए हैं, वहाँ भी खोलेंगे। तमाम व्यास तैयार कर रहे हैं, और व्यास जहाँ पर मठ मंदिर नहीं है, जहाँ पर हमारे साधु संत नहीं पहुँच सकते, जहाँ ईसाई मिशनरियाँ प्रभावी हैं, ऐसे व्यासों को हम पहुँचा रहे हैं वहाँ, सब पहुँच करके देश के संगठन, देश की एकता एकता के कार्य में लगे हुए हैं, देश की अखंडता की रक्षा के कार्य में सब लोग लगे हैं। और वो दिन दूर नहीं, याद रखो, बहुत जल्दी समय आने वाला है। ये बच्चा बनाने वाला ऐसा हम कानून ला रहे हैं, ऐसा कानून ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी हमारी इच्छा है देश की रक्षा के लिए, सब जानते हैं, और इसीलिए आए हैं वो। ये बच्चा बनाने वाली फैक्ट्री बड़ी जल्दी बंद होगी, ये निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम।
राम राज्य आएगा पूरे राष्ट्र में। एक ये भारत माता खंड होगी और भारत माता के आंखों में जो आंसू है ये आंसू भी बंद होगा। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। संत होने के नाते से इतना ही आदेश उपदेश देते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानकार हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम हमेशा हमेशा संगठित रहें। अब आप क्या बताएं महाराज जी, महाराज जी शंकराचार्य जी के पीठों में प्रधान पीठ श्रृंगेरी है, लेकिन उसके चारों तरफ सारे भाई लोग हमारे ईसाई हो गए। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कांचीपुरम वाले महाराज से हमारी बराबर चर्चा होती रहती है, विजयेंद्र जी महाराज से खूब चर्चा इस बात पर होती है। और याद रखो आप छावनी गए होंगे, गए अयोध्या गए हैं हमारे यहाँ, गए छावनी में नहीं गए ना, कभी देखे कभी किसी से कोई पूछताछ नहीं होता, कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या हो, क्या हो, कुछ नहीं, सबके लिए खुला हुआ है। और बात छोड़ो, भयंकर कोरोना में भी छावनी का गेट बंद नहीं हुआ, चलता रहा। तो हमें ज्यादा नहीं कहना है, चाहते थे कथा सुनाना लेकिन कथा नहीं सुना रहे, सुना रहे महाराज श्री ने आदेश दिया तो शुरू कर दिया। तो राष्ट्र का की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। स्वयं सेवक प्रियतम मम छोई मम अनुशासन माने चोई, भगवान श्री राम जी की वाणी है। भगवान श्री राम जी ने कहा है जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गाधि गरीयसी, राम जन्मभूमि तो बन रहा है, अरे इतना पैसा आ रहा है महाराज जी, कोई कमी आने वाली नहीं, भव्य बनेगा, भव्य बनेगा, गर्भगृह भी जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसी 2024 की जो जनवरी आ रही है, इसी जनवरी में भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए रामलाल सरकार की कृपा से चल रहा है, इसलिए हम सब लोग भगवान श्री राम जी के भक्त बने, उनके आदर्श को अपनाएं, राष्ट्र की रक्षा के लिए सारा कार्य करें। जय सियाराम, दो बार संकीर्तन करें। और बाबा जी हमारे, बाबा जी हमारे जो हैं उनको इसीलिए मैं बड़ा प्रसन्न इनसे मैं रहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ा स्नेह रहता है महाराज से, महाराज से जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य में बाबा जी लगे रहते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दो बार कीर्तन कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बोले भगवान की जय, जय सीताराम।